नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। फिलहाल चुनावी सरगर्मी तेज़ है और बिहार में जो है वो तापमान भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में हाल ही में कराकट से घूम के आए हुए भोजपुरी के सुपरस्टार राइटर पवन पांडे जी से चलिए मुलाकात करते हैं। पूछते हैं कि कराकट में किस तरह से पवन सिंह को समर्थन मिल रहा है और क्या कितने प्रतिशत वोट से पवन जी वहाँ से सांसद की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। भैया का पहले स्वागत करते हैं। चलिए प्रणाम, नमस्कार, और जितने लोग देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ सबका स्वागत है, नमस्कार है। और बताइए, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है और जिस तरह से बिहार में जो चुनाव है अपने अंतिम चरण में धीरे धीरे बढ़ रहा है और पवन जी की भी जीत हार की फैसला कराकट से होने वाली है। अभी वहाँ पे अभी हाल ही में उनके नामांकन नॉमिनेशन में गए हुए थे, किस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको? चलिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जान जाएंगे इनका शादी हो गया है। इनके चेहरे की जो चमक है वो शादी के बाद का है। और बता रहे हैं कि काराकाट में हम लोग नॉमिनेशन में गए थे पवन जी के, और जन समूह काफ़ी था। हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी या पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उतना पब्लिक जुटे होंगे, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और उस दिन के आंकड़ा से लग रहा है कि पवन जी एकदम जीत रहे हैं, श्योर जीत रहे हैं। जी जी, अगर बात कर ले काराकट क्षेत्र की, तो वहाँ से हमेशा से ही बैकवर्ड सीटों पे चुनाव लड़ी गई है, फॉरवर्ड अभी भी उतना हावी नहीं हो पाया। पवन जी के आने के बाद से जो है वो इलाका काफ़ी उनको समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आपकी जो एक सिक्स सेंस है, जिस तरह से आप चुनावी मुद्दों पे खुलकर बातें करते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कलाकार बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है। कलाकार का गाना अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड कलाकार में होता तो फिर उनके साथ बजाने वाले, अगर बैकवर्ड कलाकार हैं तो फॉरवर्ड उनके साथ बजाने वाले हैं, उनके साथ नाचने वाले लोग अलग हैं। तो एक कलाकार का एक अलग जाति ही है, उनका अलग विद्या है, और कलाकार बैकवर्ड फॉरवर्ड से बहुत हट के है। तो जब वो अगर नेता बनते हैं तो उनका वही छवि देखा जाता है कि उनका अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई एथी नहीं होता है। तो इसलिए उनके साथ सारे वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग के यूथ उनके साथ हैं। भैया, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो काराकट में अभी भी कहीं ना कहीं जो एक यादव की वोट है या फिर और भी जो कास्ट की बात करें तो पवन जी थोड़े बहुत पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन समर्थन मिलने के बाद से क्या लग रहा है कि कुछ प्रतिशत वोटों की संख्या बढ़ेगी उनकी? जरूर मिलेगी। यादव के लड़के बहुत लोग घूम रहे हैं वहाँ यादव जिले, और यादव जिले पूरा समर्थन में, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बता रहे हैं कि यूथ सभी जाति के उनके समर्थन में है। चूँकि समर्थन में इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि यादव जी के बारात में पवन जी का गाना नहीं बजता है, और यादव जी के बाबू साहब के बारात में खेसारी जी का गाना नहीं बजता है, सब लोगों का गाना बजता है। तो क्या है कि सभी जाति के लोग उनके साथ हैं, सबसे ज़्यादा औरत उनके साथ है। क्योंकि आप बहुत ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें औरत पकड़ पकड़ के उनको रो रही है, अपनी व्यथा सुना रही है, और जैसे कोई किसी को देखता है तो आंसू जो निकलता है तो हृदय से वो आंसू निकलता है, और कहीं ना कहीं उसके प्रति उसका ममता है। तो वोटरों का ममता कभी नेते के प्रति इतना नहीं देखे होंगे जितना पवन जी के प्रति आप लोग देख रहे हैं। ये अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के दो खेमे में भोजपुरी बटी हुई, एक तरफ जहां बीजेपी का खेमा है जहां बड़े सुपरस्टार नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह के साथ उनके जो चाहने वाले उनके जो छोटे कलाकार हैं वो नज़र आ रहे हैं, हाल ही में नॉमिनेशन में मंच साझा करते हुए नज़र आए। लेकिन बड़े कलाकारों का समर्थन न मिलना, बीजेपी खेमा अलग बटना, क्या कुछ प्रतिशत कह सकते हैं या फिर लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ ये चीज़ें हावी होगी? नहीं, देखिए, कलाकार क्या है ना कि अब पार्टी का लेबल लग गया है, तो कलाकार भोजपुरी भाषा नहीं बटी है और भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बटी है। भोजपुरी के कलाकार पार्टी को समर्थन करे, बीजेपी को समर्थन करे, कोई सपा को करे, कोई आरजेडी को करे, तो इससे भोजपुरी थोड़े बट रही है। और वो आपका अपना मानसा है कि हम किस पार्टी के साथ हैं और किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और लोग चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो पार्टी लेवल से जाएंगे, वो पार्टी के लिए जाएंगे, लेकिन हृदय से वो भी, उनका हृदय भी अगर सपोर्ट करेगा तो वो पवन सिंह को ही करेगा, क्योंकि वो एक कलाकार है। खेसारी लाल जी के लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी भी गए थे, तो क्या कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है कि खेसारी लाल जी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, पवन जी के लिए वोट मांगते नज़र आएंगे? हाँ, ज़रूर जाएंगे खेसारी जी, ज़रूर जाएंगे, और हमको लगता है कि सिंबल मिलने के बाद जाएंगे। अभी खेसारी जी का पूरा फैमिली गया था, खेसारी जी के बड़े भैया गए थे, खेसारी जी गए थे, खेसारी जी के पिताजी गए थे, और सब लोग समर्थन में था, और खेसारी जी के पिताजी बोले भी मंच से, उनका भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और पवन जी ने पूरे मंच पे उनको एक पिता के सम्मान दिया और पैर छू के प्रणाम किए और बोले कि हमारे ये काका हमारे पिता समान है, और इन उनके बारे में भी वो भी बोले कि हमारे बेटे के समान है पवन सिंह, जैसे खेसारी जी हैं वैसे पवन सिंह जी भी हैं, और पूरे मंच पे उनको किस किए, ये भी देखे होंगे। एक बाप बेटे को जैसे प्यार करता है
वैसे वो भी भैया राजनीतिक गलियारे में एक खबर यह भी आ रही है कि पवन सिंह को कहीं अंदर अंदर बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है और चाह रही है कि वो चुनाव मैदान में जीते, ऐसी खबरें कह सकते हैं हाल ही कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी हाई हो रही है। क्या इन बातों से आप सहमति जताएंगे या फिर इन बातों को खारिज करना चाहेंगे? क्या फिर से क्वेश्चन? राजनीतिक गलियारे में खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी अंदर यानी कि पिछले वाले दरवाजे से पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है और कुछ चुनाव के जो पैसे हैं, फंडिंग है, वो बीजेपी के द्वारा भी पवन जी को हो रहा है और वहां से सीट की यह भी तय है कि या तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह दोनों बीजेपी में ही शामिल होंगे और दोनों सीट बीजेपी का होने वाला है। जी देखिए, क्या है ना कि अब ये पॉलिटिकल मामला है, तो पॉलिटिकल मामला में हम नहीं बता सकते हैं कि अथी उनको समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है। समर्थन करने का मतलब कोई बड़ा नेता जाकर उनको उनके पक्ष में प्रचार करें, उनके पक्ष में वोट मांगे तो समर्थन हुआ। इस तरह का समर्थन कैसे होता है वो उतना हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अभी तक बीजेपी ने उनका सदस्यता रखा है जी, बरकरार रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अफवाह हो, सच भी हो सकता है। ये पॉलिटिकल गलियारे की बात है तो इसमें हम उतना जिक्र नहीं कर सकते।